अब तक पॉइंट चार्ज का ई किया, फिर हमने रिंग के एक्सिस पे ई किया, फिर हमने रिंग के सेंटर पे ई किया, फिर हमने डिस्क के एक्सिस पे ई किया। अब अगर क्वेश्चन किस पे आता है, एक आर्क पे आता है, आर्क समझते हो, एक पतली सी रॉड है लेकिन टेढ़ी है, आर्क है। तो क्योंकि रॉड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, तो कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो डेंसिटी इसकी लैम्डा है, आपको इसके ये रेडियस आर गिवन है, इस एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर की आर्क एंगल बना रही है थीटा टू और नीचे की क्या बना रही है थीटा वन, और आपको ई यहां पे निकालना है, ये क्वेश्चन है राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, इसका प्रूफ नॉट इन एनसीईआरटी, तो लिख लेना नॉट फॉर एनसीईआरटी प्रूफ। फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री होगी, बताऊंगा क्या एंटर करना है। आप एक आर्क लें, इस आर्क का छोटा सा एलिमेंट लें, जैसे सर्कुलर रिंग में लेते थे, यहां पे ई निकालना है प्लस वन, तो डी क्यू यहां पे स्मॉल डी ई लगाएगा। रिंग की तरह इसके दो कंपोनेंट होंगे, कॉस एंड साइन। एक और कंपोनेंट अगर हम लें तो ऑब्वियसली, क्योंकि बराबर कंपोनेंट्स नहीं है, क्योंकि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा, छोटे बड़े एंगल्स हैं, तो यानी कि वाई कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल नहीं करेगा, सिमिट्री नहीं है। तो इसमें एक्स में भी ई एग्जिस्ट करेगा और वाई में भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों में करेगा। और कैसे करते हैं, अगर आप एक्स एक्सिस में ई निकालना चाहते हैं तो एक कंपोनेंट ले लें, इसे इंटीग्रेट कर दें, एक्स में ई आ जाएगा। वाई में निकालना चाहते हैं तो ये लें, इंटीग्रेट करें, वाई में ई आएगा। तो अगर हम ऐसा करें, हमने करना नहीं है, हालांकि कोई अगर पढ़ना चाहे शौक के तौर पर पढ़ सकता है, मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और डाउट है पूछ सकता है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं और इसे इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाऊं तो मेरा ये आंसर आएगा। तो एक्स एक्सिस में मेरा ये आंसर आएगा, और उसी तरीके से ये देखो वाई एक्सिस में मैं वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करूंगा और फिर मैं लिमिट्स लगाऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। आपने फॉर्मूला रजिस्टर में ये लिखना है, ये डायग्राम के साथ। तो आप फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, अगर एक आर्क है, नीचे का एंगल थीटा वन, ऊपर का थीटा टू, तो ई एक्स का ये फॉर्मूला, ई वाई का ये फॉर्मूला, ई एक्स ई वाई 90 डिग्री पे है, तो नेट ई क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो ये नोट करें प्लीज।